मऊ में सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मोदी से पहले ही उद्घाटन कर दिया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विनय ज्ञानचंद्र और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। जनपद के प्रशासन को नहीं पता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव राय ने प्रधानमंत्री से पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। मऊ की पुलिस सोती रही। पुलिस प्रशासन और हाईवे प्रशासन के तमाम सक्रियता के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव राय ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन महिलाओं के साथ कर दिया। जैसे ही राजीव राय के पहुंचने की सूचना प्रशासन को मिली, वह वहां पर पूरी तरीके से हलचल मच गई। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले चंद्रभान सहित पूरा प्रशासन अमला जहां उपस्थित हो गया, वहीं प्रशासन के बीच में हलचल भी मच गई कि किस तरह से उनके तमाम सक्रियता के बावजूद सपा के नेता हाईवे पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर डाला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किशुनदासपुर आजमगढ़ में फीता काटकर किया। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि यह समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे रहनुमा और गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, अल्पसंख्यकों एवं सर्व समाज के नेता अखिलेश यादव का है। उनकी सोच व समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है। यह पूर्वांचल के जनता के लिए एक विकास के लिए लाभदायक होगा। वहीं इस अवसर पर अमित यादव, धर्मेंद्र सहित तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। अखिलेश यादव का जो सपना था, इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली से लेकर पूर्वांचल के आखिरी जिले को जोड़ने का काम किया था, उसको समाजवादी पार्टी के काम को योगी और मोदी आधे अधूरे काम को चुनाव से पहले उद्घाटन करके जो लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जिन्होंने 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिला जिसका शिलान्यास उद्घाटन किया हो, उस समाजवादी पार्टी के लोगों को हम याद दिलाना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि ये सपना अखिलेश यादव का है। 340 किलोमीटर की दूरी पर इज्जत घर की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी ने किसी माता बेटी बहन के लिए शौचालय का निर्माण कराने नहीं आया। क्या मोदी जी, योगी जी बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस अगर किसी माता बेटी बहन को 340 किलोमीटर में शौचालय आ जाएगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई सुविधा नहीं है? इस काम को भी समाजवादी पूरा करेंगे, मैं आज बताने आया हूँ। क्या किया गया जी यहाँ पे? हमने सांकेतिक रूप से उद्घाटन किया, भव्य उद्घाटन सरकार में आने के बाद पूरे काम को कंप्लीट करके किया जाएगा। पुलिस तो चारों तरफ लगी थी, कैसे आ गया? पुलिस आने दो, पुलिस का काम है, पुलिस भी हमारे साथ है, पुलिस समझ रही है, पुलिस समझ रही है कि इनके गए हुए दिन है। समाज का कोई हिस्सा नहीं है, सरकारी विभागों का कोई ऐसा विभाग नहीं है जो इनके जाने का इंतजार न कर रहा हो। मैं समाजवादी युवजन सभा का पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। आज हम लोगों ने किशुनदासपुर बाजार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काट करके उद्घाटन किया है। और ये जब समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तब से यह पास किया गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और 5 साल लग गया बनाने में। माननीय अखिलेश यादव जी सब बजट पास करके गए थे, इसलिए आज हम लोगों ने इसका फीता काट करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले हम लोगों ने अपना फीता काट करके 8 बजे जो है कि उद्घाटन कर दिया है। हमने जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों और सर समाज के नेता, गरीबों के रहनुमा माननीय अखिलेश यादव जी जब इसको बनाए तो उनकी सोच थी कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां लगेंगी, लेकिन यह सरकार जब से आई बनाना शुरू की और उसके बाद जो है कि सब मंडी काट दी और इसकी माप इसका था, बनने का मापदंड था उसको भी काट करके इन्होंने मतलब कम कर दिया, बजट भी इसका कम कर दिया, उतना बेहतर नहीं बना पाए जितना समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, बांजी के सरकार में जो है कि जमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है वो कितना बेहतर है, आगरा लखनऊ कितना बेहतर एक्सप्रेसवे बना है, ये बेहतर नहीं बना पाए। लेकिन हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी की जब सरकार आएगी 2022 में, तब इससे भी बेहतर जितना बढ़िया ये बजट पास करके गए, इसका जो है कि पैमाना बनाया गया था, सब इस्टीमेट बनाया गया था, इससे बेहतर समाजवादी सरकार आने के बाद इससे कई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, कोई भी जनपद कोई